अब खबरें विस्तार से। घोटाले में कुख्यात हो चुके गाजियाबाद नगर निगम में नई सरकार आने के बाद भी कोई बदलाव होता नहीं दिख रहा। एक के बाद एक हुए घोटाले की जांच चल रही है, मगर उसके बाद भी यहां के अधिकारी और उनके मिलीभगत से ठेकेदार अपनी मनमानी कर घटिया निर्माण करा रहे हैं। क्या है पूरा मामला, देखते इस रिपोर्ट। गाजियाबाद नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 34 में आने वाले महिंद्रा एनक्लेव में नाली बनाने का काम चल रहा है। इस काम को करने वाले ठेकेदार ने यहां नई और अवल ईंटें लगाने के बजाय पुरानी और घटिया किस्म की ईंटें लगाकर ऊपर से कच्चा पक्का प्लास्टर कर दिया। यहां रहने वाले लोगों ने इसका विरोध किया, मगर ठेकेदार ने अपनी मनमानी कर ऐसा घटिया निर्माण कर डाला। तो बन रही है तो ये नाली का काम दिया है, नई पुरानी पुरानी ईंट लग रही है जी, टेंडर तो नहीं का हुआ है। ये बता नहीं जी, ठेकेदार साहब कह रहे थे कि 2.5 लाख रुपए कटे हैं इसमें ईंटों के। सारी नाली पुरानी ईंटों की बनी है? सारी नाली पुरानी ईंटों की बनी है जी। क्या कहना है आपका? और बलदेव सिंह नाम है मेरा। साहब ये टेंडर छोटा है नाली का, हाँ तो यहाँ सुनने में शिकायतें आ रही है, यहाँ पुरानी ईंट और एक आठ का मसाला लगा है, क्या कहना? बिल्कुल सही बात है ये, और आप देख सकते हो, मौका मुआयना कर सकते हो, यहाँ से खरंजे की ईंट उखाल उखाल के यहाँ पे लगाई गई है। और जो कि टेंडर जब पास होता है तो दुनिया जानती है कि भाई नई ईंटों का पास होता है, और यहाँ खरंजा बेकार हो गया। अभी ये तो आदमी भी नहीं चल सकते इस पे अभी, अब जब तक ये क्लियर नहीं होगा जब तक परेशानी है जनता को, ठीक है। अभी जो ठेकेदार है या तो उसकी पेमेंट रोकी जाए या ये बढ़िया से बढ़िया काम कराया जाए। और ये जो नाली बने सीमेंट का एक आठ का एक, हाँ जी ये सीमेंट का, इसमें आप उखाल सकते उखाल के देख सकते हो, ऐसी उखाल के ईंट आ जाएगी, इसमें बहुत कम माल लगाया गया है। इसमें क्या है? मामले को लेकर जब इलाके के पार्षद से बात की गई तो उनका क्या कहना है सुनवाते हैं आप। अभी आपसे बात करने से 5 मिनट पहले ही मुझे इसकी जानकारी मिली है। मैंने अपने चीफ इंजीनियर को फोन कर कहा है कि उस निर्माण कार्य की जांच कराएं, उसके मसाले का सैंपल लें, उसकी जांच कराएं, और अगर वो मानक के अनुसार काम नहीं कर रहा है तो जो भी कठोर कार्रवाई नियम अनुसार होगी वो उसके विरुद्ध की जाएगी। सर टेंडर हुआ था नई ईंटों का, अब वो लगा रहा पुरानी। मैंने कहा ना आपसे जांच कराएंगे, जो भी नियम के विरुद्ध काम कर रहा होगा उस पर कार्रवाई सख्त की जाएगी। सर, मैंने क्या चीज़ है ये समझाओ, मैं बताता हूँ। माना हमारे नियम में लिखा है कि मसाला 1:4 का चाहिए, और वो 1:8 का, 1:6 का, 1:10 का, 1:12 का इस्तेमाल कर रहा है, तो ये नियम विरुद्ध है जी। अगर वो ऐसा कर रहा है तो उसके 100% एक्शन होगा उसके खिलाफ जी। मान लो कि वो अब उसके पैसे काटोगे, मान लो गलत आएगा, अब इसको एफआईआर दर्ज करोगे। सबसे पहले जांच होके आने दो, जब जांच होके आ जाएगी उसके बाद कोई निर्णय लेंगे कि हम उसके खिलाफ क्या करना। सारे लोगों का कहना है कि उन्होंने जेई को कहा था, तो जेई के उनको कहने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं, उनका सीधा सीधा कहीं कहना भ्रष्टाचार है। मेरे से मिलने के लिए कोई नहीं आया जी। मुझे अभी ये जानकारी हुई, मैंने अपने चीफ इंजीनियर को कहा है, जी तो छोटा अधिकारी, मैंने अपने चीफ इंजीनियर को कहा है कि इसकी व्यक्तिगत जांच करो और जांच रिपोर्ट मुझे भेजो, और जो जिसकी कमी पाई जाएगी, मैं जेई की कमी हो, ठेकेदार की कमी हो, उसके अनुसार सख्त कार्रवाई करूँ। इस घटिया निर्माण को लेकर जब निगम के अधिकारियों से बात की गई तो निगम अधिकारी ने किस तरह ठेकेदार का बचाव किया ये भी सुन लीजिए। मैडम साथी ने मामला है वहाँ पे लोगों की शिकायत आई है कि 1:12 का जो नाली बनी है, 1:12 की बनी है, और जो सड़क में से निकाल कर ठेकेदार ने दूसरा सवाल मेरा, वो ईंटें पुरानी उसमें यूज कर दी, तो आपका क्या कहना है? पुरानी वाली जो ईंटें यूज कर रखे हैं उसका पैसा हमने काट रखा है, जो है उसका हमने लगभग 60% जो है 1,54,000 का, मतलब जो है वैसे पैसा कटा हुआ है, और 40% जो अधे जो होते हैं उसका 36,480 करीब पैसा कटा हुआ है, जो है तो लगभग 1,90,000 के करीब उसका पैसा कटा हुआ है। जो 1:12 मसाला लगा था, मसाले के संबंध में मैं दिखवा लेती हूँ, वैसे मसाला ऐसा तो खैर नहीं है कि जो है, अगर है मसाला मैं चेक करा लेती हूँ उसे। और मैडम जैसे कि जो जो टेंडर हुआ था, क्या उस टेंडर में ये खोला गया था कि आप पुरानी ईंटें उसमें यूज करोगे? नहीं, वो तो हमारा एस्टीमेट में आ जाता है, जो है एस्टीमेट में हम पहले ही लेके चलते हैं, जो है कि आप वो यूज कर सकते हो, जो है तो हम उसका पैसा हटा देते हैं। नई वाली जो ईंटें हैं, जो नया हम जो नाली बनाते हैं
उसमें से पुरानी वाली ईंटों का डिडक्ट कर देते, तो हमारा जो ओरिजिनल का है 2.68 के करीब हमारा मतलब नया था जो है, उसमें से हमने 1.90 के करीब घटा दिया जो है, तो माइनस करके हम उसको पेमेंट करेंगे। नहीं नहीं, नए का ऐसा कुछ नहीं है जो हमने उसमें मतलब पुरानी ईंटें मतलब ले रखी हैं जो है कि उसमें से हम घटा देते हैं। जो कंपनी नाले में भी उसको जो कमी पाने के बाद क्या वो नाली बिल्कुल फिर तोड़ के दोबारा बनाएगा या उसी के पैसे काट दिए जाएंगे? नहीं, हम पैसे कटवा देंगे अगर कुछ ऐसे कमी पाई जाती है जो है, अगर लगता है कि अगर खराब है तोड़वा भी देते हैं हम जो है। ठेकेदार के पैसे काटने से क्या वो घर पाई पूरी होगी जो आप मानक को मोदी जी लोग कह रहे हैं ईमानदार से काम करेंगे, इसमें नहीं लग रहा कि भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं है? नहीं, अगर गलत किया गया है तो मतलब उसके विरुद्ध कार्रवाई भी होगी जो है, ऐसा नहीं है जो है ना। मंडल लिख के दोगे, क्या करोगे आप? नहीं, उसमें हम उसके ब्लैक लिस्ट करने के भी प्रावधान है, मतलब ऐसा नहीं है। जब इस मामले को लेकर गाजियाबाद के महापौर आशु वर्मा से बात की गई तो उन्होंने तत्काल चीफ इंजीनियर से बात की और इसकी जांच कराने की बात कही और कहा कि इसमें जो भी दोषी होगा उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये है, कोई भी ठेकेदार है चाहे नगर निगम का है चाहे किसी से भी मेरे वार्ड में जो काम करेगा, मैं कोई भी गलत काम उसमें नहीं होने दूंगा। अगर सही मसाला नहीं लगाएगा, ईंटें पुरानी लगाएगा तो ईंटों के पैसे कटेंगे। हम 1 रुपया भी नगर निगम का सरकार का बर्बाद होने नहीं देंगे। अगर ठेकेदार काम ठीक नहीं करता है तो हम उसकी जांच मंडल आयुक्त तक भी पहुंचाएंगे, वहां से करवाएंगे। सर, जैसे कि हम जो ठेकेदार कर रहा है अगर ऐसा पाया गया जांच में भी, जी मैं लेटर लिख के दूंगा, मैं डीएम को लेटर दूंगा, मैं नगर आयुक्त को लेटर दूंगा, मेयर साहब को लेटर दूंगा और उसके बाद में उसको भी लेटर दूंगा मंडल आयुक्त को। सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा होता है जब आपको 4.5 साल 5 साल होने जा रहे हैं और आपके वार्ड में काम हो रहा है, आपको पता ही चलता नहीं? मेरे वार्ड में जो कोटे के काम होते हैं वो मुझसे पूछ के किए जाते हैं और जो मेयर साहब के कोटे से या डूडा वगैरह से कोई होते हैं तो वो लोग करा देते हैं। लेकिन मेयर साहब अगर उद्घाटन करने के लिए आते हैं तो स्थानीय पार्षद को जरूर बुलाते हैं, उसमें कोई ऐसी बात नहीं। काम ये चलेगा रुकेगा? काम सही करेगा चलेगा, नहीं रुकवा देंगे। नाली तो पूरी बन गई सर? अगर नाली पूरी बन गई है और मटेरियल ठीक नहीं लगाया तो दोबारा बनाएगा उसको। हाँ, मैं FIR दर्ज करूंगा। FIR क्या दर्ज करनी है? मुझे मंडल आयुक्त और उनको जाँच के लिए लेटर भेजना है। जो उन्हें सड़क की FIR दर्ज करेगा नगर निगम ठेकेदार के खिलाफ, हम FIR दर्ज नहीं करा सकते। हम जांच कराने के लिए लेटर दे देंगे, अगर ठेकेदार थोड़ी भी गलती करता है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा किसी कीमत में भी। हमारा जो ईमानदारी में 10 साल से नाम है या 20 साल से नाम है वही बरकरार रहेगा, उसमें 0.1% की कोई कमी नहीं आएगी। सर, जैसे कि अब जो सड़क में तोड़ी है वही ईंटें लगाई जा रहा है तो नहीं, ईंटों का भी मेरी योगिंदर नगर निगम वाले से बात हुई थी, वो बोल रहे हैं 4900 रुपए पर 1000 हमने उसके फाइल में कटे हुए हैं। जी हाँ, नई टाइल्स लगेंगी, वो भी मानक जो नगर निगम का मानक है उससे अगर लो कैटेगरी की लगेंगे तो हम उसे लगने नहीं देंगे। जांच में कल देख के आऊंगा उसको और फिर मैं लेटर लिखूंगा। यूं तो करीब 1 दर्जन से ज्यादा ऐसे मामले हैं जिनकी जांच के आदेश दिए गए थे, मगर किसी भी मामले में क्या कार्रवाई हुई या फिर कोई दोषी मिला या नहीं, ये बात निगम की फाइलों में ही कैद है। गाजियाबाद से राशि चौधरी की रिपोर्ट।